जिंदरा जड़े है एसएमओ दे दफ्तर बार क्योंकि डॉक्टर नाराज ने 40वां दिन हो गया है पर हड़ताल अजे भी जारी है। कोरोना महामारी दे भयानक दौर च जिन्ना दी सब तो वध लोड़ है ओ डॉक्टर हस्पतालां दे बाहर इउं प्रदर्शन कर रहे ने। 6वें पे कमीशन दीआं सिफारशां दे खिलाफ पंजाब च 25 जून तो डॉक्टरां ने मोर्चा खोलिया होया है अते हुण तां एसएमओ दफ्तर बार ताला ही ला दित्ता गया है। डॉक्टर सरकार ते हस्पतालां दा निजीकरण करन दे इल्जाम ला रहे ने। 6वें पे कमीशन दीआं जो सिफारशां ने ओह निजीकरण नूं प्रमोट करदीआं ने उहदे विरोध दे विच सरकार दे अगेंस्ट साडा प्रदर्शन चल रहा सी। असीं पैरेलल ओपीडी करके यूनियन दे फंड चों पैसे इकट्ठे करके लोकां नूं दवाई दित्ती है। लोक इस गल दे गवाह ने पर इस दे बावजूद भी सरकार ने सानूं किसी भी तरह का कोई ढुकमा जवाब नहीं दिता। नारे लगते रहे आ हफ्ते के 10 दिनों के करते करते सानूं यह 40 दिन हो गया। साडी जिहड़ी लास्ट मर्याद सीगी ओह शुक्रवार दी सी वी शुक्रवार शाम नूं साडा इह मसला हल हो जूगा ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਾਡੇ ਐਸਐਮਓ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਓਪੀਡੀਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਓਪੀਡੀਜ਼ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੇ ਵੀ ਡਟੇ ਨੇ। ਓਪੀਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਓਪੀਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੈਰਲਲ ਓਪੀਡੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਯੂਨੀਅਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਕਿਉਪਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜੋ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਐਨਪੀਏ ਉਸ ਨੂੰ 20% ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ 25% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। अभी गवर्नमेंट के साथ हम लोगों की यही डिमांड है कि 6 पे कमीशन है जो उसको रिवाइज करे। हम लोग मोर देन 1 मंथ हो गया स्ट्राइक होते हुए पर गवर्नमेंट की जो कैलस एटीट्यूड है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है। इनफैक्ट गवर्नमेंट का ये एटीट्यूड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को बंद करके प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाएगा। जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स इधर जॉब कर रहे हैं वो लोग ऑब्वियसली इतनी कम सैलरी पर काम नहीं कर सकते और वो लोग छोड़ देंगे और धीरे धीरे सिर्फ बिल्डिंग रह जाएगी, यहाँ पर कोई भी मैन पावर नहीं रहेगी। जो मैन पावर नहीं रहेगी तो नेचुरली सारा सिस्टम ग्रेजुअली विद इन अ पैसेज ऑफ फ्यू ईयर्स डॉक्टर नूं 30 जुलाई तक मंगां दे सुलझाए जाण दा भरोसा मिलिया सी पर जदों हल नहीं निकलिया फिर दफ्तरां ते जिंदरे लाउण वाला इह मुजारा कीता गया जो अगले 2 दिन तक इउं ही जारी रहेगा। मसला सिर्फ डॉक्टरां दा ही नहीं है, पंजाब दा कोई भी अजिहा जिला नहीं है या फिर कोई भी अजिहा दिन नहीं जांदा जदों प्रदर्शन ना हुंदा होवे। जिवें जिवें चोणां नेड़े आ रहियां ने सरकारां खिलाफ लोक रो ठाठा मारन लगे। कैप्टन दे जद्दी शहर पटियाला दे विच 21 दिनां तों भुख हड़ताल ते बैठे ने इह बेरोजगार ईटीटी अध्यापक। पंजाब की जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है उसने आज से 4.5 साल पहले जितने भी वादे किए थे वो लगभग वफा नहीं हुए। उनमें से कोई वादा वफा नहीं हुआ। खासतौर पे उनमें एक वादा था कि घर घर नौकरी दी जाएगी, तो घर घर नौकरी देनी तो बहुत दूर की बात है। जो क्वालिफाइड टीचर हैं, जैसे ये टीचर हैं, ये सिलेक्ट हुए हुए हैं टीचर 2364 पोस्टों के ऊपर क्वालिफाइड हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास हैं, तो इनको भी नौकरी नहीं दी जा रही। इनको भी जो ऑर्डर है, नियुक्ति पत्र है, वो जारी नहीं किए जा रहे। सरकार बनने से पहले कुछ और होती है पर जो सरकार बन जाती है उसके बाद वो अपना असली रूप दिखाती है। जैसे हमारे यहाँ एक YPS चौक है मुख्यमंत्री निवास के पास, वो YPS चौक का नाम आजकल डांगों वाला चौक हो चुका है, मतलब लाठियों वाला चौक। वहाँ हर रोज कभी बेरोजगार, कभी जो कच्चे मुलाजम है या कोई और किसान मजदूर है उनके ऊपर पुलिस है जो वो लाठियां चलाती है। मुलाजम, अध्यापक, किसान, नौजवान, डॉक्टर, शायद ही पंजाब दा कोई अजिहा वर्ग होए जो सरकार तो संतुष्ट होए। सब सड़कां ते ने ते सरकारी जुबान ते दावियां दे सिवा होर कुछ भी नहीं।